भाइयों और बहनों, मैं जब भी गाजीपुर आता हूं, मुझे गाजीपुर के सांसद रहे स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह घमारी जी की बात जरूर याद आती है। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो विश्वनाथ जी ने पार्लियामेंट के अंदर उन्हें याद दिलाया था कि पूर्वांचल में इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोग गोबर में से गेहूं के दाने निकालकर उसे धोकर अपना पेट भरने के लिए मजबूर है। जिसके दिल में गरीब के लिए दर्द हो, वो कभी भी गरीब को ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ सकता। साथियों, हमारे देश पर, पूरी दुनिया पर, पूरी मानव जात पर कोरोना ने इतना बड़ा संकट पैदा किया, 100 साल का सबसे बड़ा संकट, 100 साल में नहीं आया ऐसा संकट, इतनी बड़ी महामारी आई, लेकिन हमने किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। भाइयों, किसी गरीब के घर का एक दिन भी चूल्हा न जले, ये हमें मंजूर नहीं। भाइयों बहनों, पिछले 2 साल से भाजपा की डबल इंजन की सरकार यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। इस पर देश भर में 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुझे पता है कि अगर यही काम इन गौर परिवारवादियों को करना होता तो वो आपको दाने दाने के लिए तरसा देते और सारा पैसा खुद खा जाते हैं।